हो ना, तो मेरे को आदत है शर्ट को लेके। बोन शर्मा, ये हमारा 30 डेज डिसिप्लिन चैलेंज का डे वन है। हमारा कॉलेज है, ये सुबह के 9 बजे हैं। तो हमने ब्रश कर लिया, तो अब हम अपनी फर्स्ट मील बनाएंगे जो कि है ओट्स में बीच में प्रोटीन डाल के। ये क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो आज ट्यूसडे को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसलिए मेरे को सुबह ओट्स में वे प्रोटीन डालना पड़ेगा, नहीं तो मैं ओट्स और अंडे खाता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट मील है, उसके बाद 10 बजे मुझे कॉलेज निकलना है। तो गाइज ये हमारी फर्स्ट मील है, इसमें हमने 40 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप वे डाला हुआ है, और ये हमारी फर्स्ट मील रहेगी। और ये सेकंड मील देखो जो मैं कॉलेज लेके जा रहा हूँ, ये एक मल्टीग्रेन ब्रेड पे पीनट बटर है, और एक ये पनीर साथ में 100 ग्राम पनीर है। तो ये साथ में पैक करके लेके जा रहा हूँ क्योंकि 11 बजे जाना है। तो ये मेरा बैग है, बैग में ये एक कॉपी डाली है, और एक ये पानी के लिए 1 लीटर की बॉटल है ये। तो ये प्रोटीन इंटेक पूरा करने की। तो गाइस ये हमारी कैंटीन है। तो गाइस अब हमारी लंच ब्रेक है 12 से 12:30। तो ये लोग आप देख सकते हो कैंटीन में कितना रश है, सुमैया की कैंटीन है ये। तो हमने अपना लंच कंप्लीट कर दिया, सेकंड मील जो थी हमारी 12 बजे वाली, और पानी साफ में हाइड्रेट है। मेरी दूसरी बोतल है तो 2 लीटर होने वाला है। गाइस मैं आपको बात करता हूँ, मैं ना अभी वॉशरूम गया हुआ था, तो मेरे को आदत है शर्ट खोलने की। हर जगह वॉशरूम में जहाँ से भी जाऊँ वहाँ से शर्ट खोलने की। तो मैं वहाँ गया, मैंने चाहती शर्ट खोलने लगा था पर खोलने नहीं है, वो मैंने साइन किया हुआ। तो मेरे को मतलब अभी वो अडॉप्ट करने में बड़ी वो लग रही है, टाइम लग रहा है कि भाई तुझे शर्ट नहीं खोलनी है 3 दिन के लिए। सो गाइस अभी हम कॉलेज से निकले हैं, तो अब यहाँ से हम एक लोकल पकड़ेंगे, तो जाएंगे हॉस्टल। आपको सोच रहे होगे यार कि अगर तू हॉस्टल में ही रहता है तो तू मतलब कॉलेज दूर क्यों जाता है। यार सीन पता क्या है कि हमारे जो सुमैया है ना, सुमैया के 2 कैंपस हैं, मतलब एक कैंपस विद्याविहार में, एक कैंपस यहाँ सायन में है। तो मेरा कॉलेज सायन वाला है, तो मेरे को हॉस्टल से भी यहाँ आना पड़ता है। तो अभी मैं आया हूँ इधर, तो अभी जब मैं निकलूँगा सुबह 12 बजे की मील खाई है, अभी 1 बजा है, तो मेरे को आधा घंटा लग जाएगा ट्रैवलिंग में पहुँचने में। तो वहाँ पहुँच के मेरी 3rd मील होगी जो कि लंच रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये हमारी 3rd मील है, तो इसमें देखो मैंने राइस लिए हुए हैं, और दाल ली हुई है, और फाइबर है, और ये ये पूरी हैवी मील है, वर्कआउट से पहले वाली मील है। तो ये वर्कआउट से पहले वाली मील है, तो इस मील के बाद एक प्री वर्कआउट मील रहेगी, और उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे। गाइस अब 6 बज गए हैं, तो 6 बज से ये मेरी प्री वर्कआउट मील है। प्री वर्कआउट मील में ये 40 ग्राम ओट्स हैं, और इसके बीच मैंने पानी डाला हुआ है, और ये फ्रूट्स मसाले ले लेते हैं। तो ये मेरी प्री वर्कआउट मील रहेगी। तो ये हमारी दिन की 4th मील है, 3rd मील आपने देखी थी खाना है। तो अब इसके बाद हम ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद 5th मील, और रात को 6th मील तो जिम जाएंगे। No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. अब हमारी 5th मील रहेगी ये प्रोटीन और केले। प्रोटीन हमारा मसल बिल्ड करने के लिए, और केले रिकवरी के लिए। तो ये हमारी 5th मील रहेगी। इसके बाद एक डिनर है, तो वो रहेगा। तो हमारी 6 की 6 मील्स ख़त्म हो जाएंगी। और पानी का 2 लीटर मैंने कॉलेज में पिया था, 1 लीटर मैं अभी BCA लेके गया, और रात को भी 1.5 लीटर तक हो जाएगा, ख़त्म सोने से पहले हम कर देंगे तो 4.5 लीटर हो जाएगा। सो गाइस ये है हमारी अब लास्ट मील, तो ये हम 12 बजे खा रहे हैं। ये हमारी 6th मील है, तो इसमें हमें ये देखो ये इसमें सोया है और पनीर है, और इसमें थोड़ा नमक मिर्च डाला हुआ है। तो ये बना के हम बॉइल करके खा लिए, क्योंकि आज ट्यूजडे था, ऐसे नहीं तो रात को बॉइल चिकन खाना है। तो ये रात को 6 मील थी, तो आज हमने पूरे 6 के 6 मील की। सुबह कॉलेज भी गए, और पानी का ये मतलब कि 4 लीटर हो गया है ऊपर से, मतलब कि ये 4.25 या 5 लीटर तक पहुंच जाएगा। 4 लीटर भी किया, 15 मिनट कार्डियो भी किया, और वर्कआउट भी आज हमारा बैक बाइसेप था, तो हमने बैक बाइसेप ट्रेन किया, और 6 की 6 मील पूरी की। तो ये हमारा डे 1 था, तो अब कल मिलते डे 2।
down, down.